अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है वी एक्सप्लोर खुम्बी वाटरफॉल। तो ये ड्रोन व्यू है भाई साहब, बड़े ही खूबसूरत जगह है। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। सह्याद्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको असंख्य पर्वत, गढ़ किले और उन्हीं के साथ सुंदर और अद्भुत वाटरफॉल्स देखने मिलते हैं। ये वाटरफॉल्स इतने खूबसूरत है कि इनका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम ऐसा ही एक सुंदर वाटरफॉल एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं जिसका नाम है कुंभे वाटरफॉल। कुंभे वाटरफॉल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के मानगांव रीजन का एक मेजर वाटरफॉल है। पीछे जाएगी है भाई, भाई संभल के संभल के संभल के। Hey, what is up, Mitran? This is Patil and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. वेल दोस्तों, आज हम लोग जाने वाले हैं कुंभे वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के लिए। अभी मैं कुंभे वाटरफॉल से काफ़ी पास हूँ दोस्तों। हम लोग ने कल रात को अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे हम लोग का जो जर्नी स्टार्ट किया था नेरल से। अभी टाइम हो रहा है 8:30 बज गए रहेंगे सुबह के। और अभी जो मैं हूँ दोस्तों, निज़ामपुर गाँव के थोड़ा अंदर हूँ। यहाँ से अभी 20-30 मिनट्स में पहुँच जाऊँगा कुंभे वाटरफॉल। तो कुंभे वाटरफॉल पहुँचना इतना क्या डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों। अगर आप गूगल मैप्स के ऊपर डालते हो कुंभे वाटरफॉल तो इजीली आप पहुँच जाओगे। बट आज हम लोग जो करने वाले हो थोड़ा अलग एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं। यहाँ पे बस मैं थोड़ा ड्रोन शॉट्स लेने के लिए आया था। ये एक पूरा लेमन ग्रास का फील्ड है, गौती चा बोलते हैं उसको। अभी मैं जाता हूँ बाहर और फिर हम लोग वहाँ से हम लोग की आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। निज़ामपुर टाउन कुंभे वाटरफॉल से सबसे नज़दीक वाला टाउन है। निज़ामपुर से कुंभे वाटरफॉल 13 किलोमीटर्स की दूरी पर है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेट 6 किलोमीटर्स घाट वाला रास्ता है। कुंभे वाटरफॉल पहुंचने के लिए आपको बिल्कुल भी ट्रेकिंग नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज वाटरफॉल तक व्हीकल आराम से पहुँच जाती है। गूगल मैप्स के हेल्प से आप यहाँ पर आराम से पहुँच जाओगे। कुंभे वाटरफॉल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप आपकी खुद की व्हीकल लेके आना। वो देख सकते हो दोस्तों, प्रार्थना एकदम धड़पड़ते हुए। कितना खूबसूरत बटरफ्लाई है दोस्तों, आपको दिखाता हूँ, बस उड़ना जाए। ओह माय गॉड, ये बटरफ्लाई कलर देख सकते हो दोस्तों। कितना खूबसूरत है देख दोस्तों। आज हम लोग 4 लोग हैं, हरि, प्रार्थना और अक्षय। हम लोग 4 लोग अभी जा रहे हैं एक्सप्लोरेशन करने के लिए। लेट्स सी हम लोग का एक्सप्लोरेशन कहाँ तक जाता है। वो जो पैच है थोड़ा सा रिस्की है और पता नहीं एग्जैक्टली कैसा पैच है। जो भी एक्सप्लोरेशन हम लोग ऐसे माइंड में डिसाइड किया है वो अगर एक्चुअल में हो गया तो मजा आ जाएगा। और फिर वहां से हम लोग और एक सीक्रेट वाटरफॉल जाने वाले हैं अगर टाइम बचता है तो। और आप मेरा फेस देख सकते हो, लिटरली एग्जॉस्टेड हूँ मैं अभी एक्सप्लोरेशन करने के पहले ही, बिकॉज कल रात 3 बजे से हम लोग नॉन स्टॉप राइड कर रहे हैं। अभी ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है दोस्तों, अभी हम लोग को चढ़ने का पूरा ऐसा घाट रास्ता है और फिर आएगा कुंभे गांव और वहाँ से वो व्यू पॉइंट है। वहाँ पे हम लोग थोड़ा ड्रोन शॉट्स लेंगे एंड देन फिर हम लोग का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे। और बाजू में एक केव भी है, केव बोले तो एक टनल है जो टनल के अंदर प्लास्टर नहीं किया है, उसी एकदम स्केरी और एकदम ऐसा एडवेंचरस लगता है वो। उसका नाम है कुंभे टनल, वो भी हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे। दोस्तों, निज़ामपुर से लेफ्ट लेने के बाद यहाँ के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। रास्तों के दोनों साइड हरे भरे लैंडस्केप्स और गांव की खुली हवा। ऑन द वे आपको यहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे वाटरफॉल्स भी देखने मिलते हैं और ऐसे रास्तों पे राइड करने का मज़ा कुछ और ही होता है। वो जो पहाड़ बताया दोस्तों आपको, घाट वाला रास्ता जो कुंभे गांव जाता है, वहाँ पे अगर आप आओगे तो ऑन द वे आपको यहाँ पर एक वाटरफॉल लगेगा। काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है,
आप देख सकते हो एकदम देखने लायक वाटरफॉल है, रास्ते के एकदम बाजू में ही वाटरफॉल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लोग आते हैं और पूरा कचरा करके जाते हैं, यहाँ पे पूरा भर भर के कचरा है। बट अगर आप आते हो तो प्लीज आप एंजॉय करना, कचरा बिल्कुल मत करना। ये नजारे आप देख सकते हो, उसको एकदम मस्त लग रहा है, फुल ड्रीमी। बट रास्ते एकदम खराब है यहाँ के, बट नो प्रॉब्लम, रास्ते खराब है फिर भी राइड करने में जो मजा आ रहा है दोस्तों, बिकॉज व्यूज ही इतने मस्त है यहाँ पे। कुंभे वाटरफॉल जाते समय आपको जो घाट लगता है, वहाँ के रास्ते बहुत ही ज्यादा खराब है। रास्तों पे बहुत सारे लूज स्टोन्स है, जिसकी वजह से यहाँ पे राइड करना और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। बट अगर आप एक ऑफ रोडिंग फैन हो फिर तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस प्लेस। दोस्तों अभी हम लोग ने घाट वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। घाट वाला जो पोर्शन था वो लाइक 30 मिनट्स का था, और बीच बीच में एकदम खतरनाक रोड था, बिकॉज एकदम बड़े बड़े रॉक्स थे, तो उसके ऊपर से गाड़ी एकदम इजीली स्लिप हो रही थी, राइड करना काफी डिफिकल्ट हो रहा था। और अभी हम लोग ने घाट कम्प्लीट किया है, और ये देख सकते हो मेरे बैक साइड ये है कुंभे टनल। और जैसे अभी हम लोग टनल के उस पार जाएंगे दोस्तों, हम लोग कुंभे वाटरफॉल पहुंच जाएंगे, और अभी इसके अंदर से राइड करने का काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्लास्टर करते हैं टनल के अंदर वो किया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा स्कैरी और एकदम ऐसा डरावना दिखता है, बट मस्त है, मजा आने वाला है। ये स्कैरी एंड एडवेंचरस टनल कुंभे वाटरफॉल ट्रिप का मजा और भी बढ़ा देता है। एंड जैसे आप ये टनल क्रॉस करते हो, आप पहुंच जाते हो वो पॉइंट पे जहां से कुंभे वाटरफॉल नीचे गिरता है। दोस्तों ये था वो टनल जिसमें से अभी हम लोग बाहर आए, और एग्जैक्टली सामने यहाँ पर है कुंभे वाटरफॉल का व्यू पॉइंट, मतलब व्यू पॉइंट नहीं है, बट यहाँ से अभी हम लोग ड्रोन छोड़ेंगे जहाँ से कुंभे वाटरफॉल नीचे गिरता है। और वो जगह देख सकते हो आप, वो जो है वो पोर्शन, वो पहाड़ के वो साइड वो व्यू पॉइंट है। तो पहले हम लोग यहाँ पर ड्रोन शॉट्स लेते हैं, और फिर बाजू से रास्ता जाता है, ऐसा घूम के हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और वो व्यू पॉइंट है। तो अभी यहाँ के थोड़े ड्रोन शॉट्स एंजॉय करो। यहाँ से तो हमें वाटरफॉल का व्यू नहीं मिल रहा था, बट हम लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे देखने के लिए कि कुंभे वाटरफॉल दिखता कैसे है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर ड्रोन छोड़ा। एंड ड्रोन ने यहाँ पर जो चीज़ कैप्चर की दोस्तों, अब खुद क्या ही बताऊँ। जो मेन रोड है दोस्तों, वहाँ से आप आगे आओगे तो एक व्हाइट कलर का मंदिर दिखेगा आपको, और मंदिर से थोड़ा आगे आओगे तो ये रास्ता मिलेगा आपको, पूरा ऐसा कच्चे मिट्टी का रास्ता है, ऐसा ट्रेल टाइप रास्ता है, गाड़ी यहाँ तक आ सकती है। बीच बीच में आप देख सकते हो ऐसा स्लश है, और एग्जैक्टली सामने यहाँ पर है व्यू पॉइंट। अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, कैसा है व्यू, आओ आओ बताओ। पीछे जाएगी है, भाई भाई संभाल के संभाल के संभाल के। ओह माय गॉड, तेरे को जन्नत दे। आवाज देख, क्या व्यू है यार। ये देखो दोस्तों कुंभे वाटरफॉल, अभी हम लोग थोड़ा वो साइड से भी एक्सप्लोर करेंगे, बट ये व्यू तो हम लोग मिस कर नहीं सकते। वो देख, वो मेन प्लेटू है ना, कैंपिंग स्पॉट है एकदम परफेक्ट।
बस यहाँ पे एकदम संभाल के दोस्तों आप देख सकते हो पूरा घास है और नीचे पूरा क्लिफ है, इधर गलती से पैर दिया तो खत्म। दोस्तों आप देख सकते हो अभी एकदम जोरों से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग का एक्चुअली व्यू पॉइंट जाने का था बट अभी सडनली बारिश स्टार्ट हो गई है। बट व्यू पॉइंट जाने से पहले हम लोग एक रिज के ऊपर जाने वाले थे, जो रिज के ऊपर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बस वहाँ से जो वाटरफॉल है उसका व्यू एकदम मस्त लगता है, तो वो बस हम लोग देखने जाने वाले थे। रिज के ऊपर जाऊंगा या नहीं फिक्स नहीं है, उधर जाके मेरे को समझेगा कि रिज कैसा है। बट अगर उधर गया तो एकदम मस्त अपने को सिनेमैटिक शॉट्स मिलेंगे। अभी आप देख सकते हो एकदम तूफानी बारिश वाला। अभी के लिए थोड़ा अवॉइड करते हैं। अरे बारिश का आता है, इतने टाइम से दोस्तों एकदम क्लियर था एनवायरनमेंट, लिटरली धूप आ रही थी और सडनली बारिश। अभी एग्जैक्टली पता नहीं कि वो रिज के ऊपर जाएंगे या नहीं, बिकॉज इतने खतरनाक बारिश में वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा, बट लेट्स सी। हर एक फेमस लोकेशन की सेम कहानी दोस्तों, आप देख सकते हो हर जगह पे प्लास्टिक बॉटल्स, कचरा एंड ऑल। वहाँ पर तो खा के प्लेट्स एंड ऑल फेंकी थी, यहाँ पे आप देख सकते हो चिप्स एंड ऑल के वेपर्स। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मेन व्यू पॉइंट दोस्तों। यहाँ पे मैक्सिमम लोग आके व्यू एंजॉय करते हैं। 10 मिनट पहले दोस्तों लिटरली एकदम मस्त धूप आ रही थी और अभी एकदम सडनली खतरनाक बारिश। आई होप कि फॉग क्लियर हो जाए, नहीं तो हम लोग को जो मेन व्यू है वो दिखेगा नहीं, ऊपर से हम लोग को ड्रोन फ्लाई भी करना है। थोड़े टाइम पहले दोस्तों ये चीज़ हम लोग हमारे ड्रोन में देख रहे थे, अभी लिटरली हमारी आंखों से देख रहे हैं। GoPro लिटरली ये चीज़ जस्टिफाई नहीं कर पाएगा जो ब्यूटी है वाटरफॉल की। आई होप सो 5-10 मिनट में पूरा फॉग क्लियर हो जाए, एंड जैसे फॉग क्लियर होगा मैं आपको दिखाऊंगा द व्यू ऑफ मैजेस्टिक। क्रेजी क्रेजी यार, खतरनाक। क्या व्यू है दोस्तों मेरे एग्जैक्टली सामने खुम्बे वाटरफॉल का व्यू है, और मैं ऐसा थोड़ा नीचे उतर रहा हूँ अभी और रिज के ऊपर जाने के लिए काफी। ओ माय गॉड, ये बहुत रिस्की पैच, अनिरुद्ध पाटिल सोच रहे हैं जाओ कि नहीं। आप देख सकते हो दोस्तों हरी वहां पर पहुंच चुका है रिज के ऊपर। यहाँ से वो कैसा तो गया, मैं ट्राई किया थोड़ा आगे तक गया बट मेरे को ऐसा अंदर से बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। बिकॉज अगर अंदर से मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है और मैं अटेम्प्ट करूंगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि स्किप कर दूं। हरी वहाँ पर पहुँचा है और अभी बारिश हो रही है, इसके लिए हम लोग रुके हैं, मेरे को एक ड्रोन शॉट लेने का है। हरी वहाँ पर गया है तो ऐसा एक रिवॉल्विंग शॉट लेने का है, बट काफ़ी ट्रिकी है बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ का तो मुझे कुछ दिख रहा नहीं है, एंड वहाँ पर ऐसा माउंटेन का वॉल है और मेरे को ऐसा एक रिवॉल्विंग शॉट लेने का है, तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। अक्षय मेरी हेल्प करेगा थोड़ा कोऑर्डिनेट करने में, और यहाँ पर रेंज का भी प्रॉब्लम है। तो अभी जैसी बारिश जाएगी हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रोन शॉट, बिकॉज हरी वहाँ पर गया है और उसका ड्रोन शॉट नहीं लिया,
तो फिर पूरा हम लोग का ट्रिप वेस्ट गया। बेचारा हरी कब से वहाँ पे रुका है, लिटरली 45 मिनट्स हो गए हम लोग बस ये फॉग जाने का वेट कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, अरे लू क्या, ऑल गुड ना? हाँ परफेक्ट। ठोकेगा क्या? ठोकेगा? कॉल लो तेरा। नहीं लगा थे। स्टार्ट। दोस्तों अभी मैं लेने जा रहा हूँ मेरे लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग ड्रोन शॉट। हल्की हल्की बारिश हो रही थी एंड फॉग की वजह से विजिबिलिटी जीरो थी। वीक सिग्नल होने के कारण ड्रोन ऑपरेट करना मुश्किल हो रहा था और यहाँ पर मैं सोच रहा था कि रिवॉल्विंग शॉट लूँ या मत लूँ। और फिर काफ़ी सोचने के बाद हिम्मत करके मैंने रिवॉल्विंग शॉट ले लिया और रिजल्ट्स कुछ ऐसे आए दोस्तों। दोस्तों हरी वहाँ से निकल तो गया बट अभी उसको ऊपर आने में एक पैच है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऐसे बड़े बड़े स्टोन्स है वो पूरे लूज है और अभी ऑफकोर्स मानसून है तो आप इमेजिन कर ही सकते हो। इसलिए मेरे को जाने मतलब मैं नीचे कैसे ना कैसे उतर भी जाता बट ऊपर आने में वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इसलिए मैंने वो अवॉइड किया। एंड आप देख सकते हो कि अभी शाम भी होने को आ चुकी है एंड पूरा फॉगी एंड वापस ऐसा क्लाउडी हो चुका है। अभी फटाक से बारिश स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, मैं जैसे यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कभी वो आ जाएगा। एंड फाइनली दोस्तों पहुंच चुका है हरी ऊपर। जल्दी आ भाई जल्दी आ, बारिश देखो दोस्तों क्या खतरनाक बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी चलेगा भाई, चल तो रुकिए प्रार्थना अकेली। छोड़ दे अभी बातें बताता हूँ। अभी मेरे को लगता है इसके बाद और कोई पहुँच नहीं पाएगा। तोड़ दिया रास्ता, तोड़ दिया। वेल दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर देना, कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स एंड आई विल सी यू। भाई साहब क्या बात है, धरती पे जन्नत बिल्कुल इसे बोलते हैं, लेकिन खूबसूरती खतरनाक भी होती है ये भी आई। और जिस तरह का भाई मौसम था और वो भाई साहब तो सख्त लौंडा था, वो तो चला गया और बाकी वैसे उससे वहां जाना नहीं चाहिए, बहुत ही खतरनाक। एक शॉट के लिए जिंदगी ऊपर से बारिश फिसलन बहुत ज्यादा थी, ऊपर से सब्जा के ऊपर ज्यादा फिसलन हो जाती है। पहाड़ी रास्ता पथरीली जमीन है, पथरीली जमीन पे तो ऐसे ही पैर फिसल जाता है, खतरनाक था भाई वैसे। और खूबसूरती तो मैं कहता हूँ बला की खूबसूरती है, क्या नजारा है भाई साहब। और जो वाटरफॉल था लेकिन दूर से तुमने देखा ऐसे जैसे दूध की नदी। हाँ, दूध वो बिल्कुल साफ सफेद
बाकी भाई पब्लिक का यार देखो ना, पब्लिक जो कचरा वहाँ फेंकती है इतनी खूबसूरत पॉइंट पे भी जाके कचरा फेंक देते हैं, ये तो बुरी बात है भाई। इस खूबसूरती को तो ये बिगाड़ने वाली चीज है जिस तरह की थी। और वैसे जब दौड़ के आते थे लोग दिखाने के लिए भाई साहब, मुझे तो पहले डर लग जाता था। इस तरह था वो दौड़ते जिन्होंने नीचे छलांग लगाती है पैराशूट के जरिए, वो तो और डर लगता है। पैराशूट के अलावा और भी होते हैं नजारा, एक बड़ा ही प्यारा नजारा था भाई और खूबसूरत जगह। और उसको मजे की बात ये कि भाई साहब बारिश में इस तरह की ब्लॉगिंग करना ये तो भाई एडवेंचर जी। देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस तरह का एडवेंचर इस तरह की अवेयरनेस नहीं है ना तरह हुए। नहीं लोग रिस्क भी नहीं लेते ना, रिस्क भी है बहुत ज्यादा रिस्क है यार। पहले कितने विलाग तरह पे देते इतना ज्यादा रिस्क से खड़े हो गए थे भाई। वो जब नीचे जा रहा था ना एक भाई, वो उतरा ही नहीं जा रहा था भाई। मेरे के साथ है वो वापस आ, शायद वापस आ गया कोई भी बाद में पता चला जो एक भाई नीचे और चला गया। देखो कितना और रिस्क वो जिस एक शॉट के लिए कितना रिस्क लिया और जिस ऊपर लगा जिस पॉइंट पे वो गया था वो देखा किस तरह वो फिसल, बिल्कुल पतली सी वो पट्टी सी थी। मेरे ख्याल से तो वो सिर्फ एक पैर रखने की जगह सही है इतना ही, लेकिन वो शॉट बहुत ही प्यारा शॉट था। और भाई साहब ये वैसे देखा जाए तो इंडिया ने प्रमोट किया है टूरिज्म को, और जिस तरह ये एक एक पॉइंट के लिए खास करके वो जो रोड बनाए गए हाँ। वो पहाड़ को काट के काट कर देख लो कि हाँ। इसके लिए बनाए गए ताकि लोग जो है घूमने के लिए आए इधर, तो टूरिज्म को प्रमोट तो करते हैं भाई साहब बिल्कुल। और जो ये जो इलाका था यहाँ पे तो वो कहता है पता ही नहीं चलता कब बारिश हो जाए, उन्होंने पहले से भी इंतजाम करके आए थे। और रोड के साथ जो ग्रीनरी थी, वैसे ऐसी जगह पे भाई साहब खतरा भी हो सकता है कुछ लोग लुढ़के होते ना वो थोड़े से उखड़े हुए भी थे, बारिश जहाँ पे ज्यादा होती है वहाँ पे रोड जो है वो खराब हो ही जाते हैं, पता नहीं कब के बने होंगे। तो ठीक है भाई साहब बड़ी प्यारी थी वीडियो, और मैं कहता हूँ लगी हुई थी वो थोड़े थोड़े मट्टी के टुकड़े भी होते हैं वो पीछे खेत है ना खुम्बी खेत है जिसको बोल रहे थे पता नहीं से होकर गई है। असल में जगह तो पथरीली है ना थोड़ी बहुत मिट्टी तो होती है तभी तो इतना सब्जा, पथरीली के ऊपर इतना सब्जा हो सकता है तो ऊपर मिट्टी होती है ना नीचे जमीन पथरीली होती है मट्टी के पत्थर के ऊपर घास थोड़ी उगता है। तो ठीक है भाई साहब बड़ी प्यारी वीडियो थी और बहुत रिस्की यार व्लॉग था, ऐसा रिस्की हमने भी किया था, मौत को बड़ा करीब से देखा था। दरान के साथ गए थे सवार, वो भाई इतनी गहरी खाइयां पता ही नहीं चलता था गाड़ी, वो आगे से रास्ता ही नहीं दिखाई देता। अच्छा मैंने कहा भाई आज बच गया तो फिर लगाया मैंने कहा फिर नहीं आऊंगा। तो ठीक है भाई मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।